मैंने डिसाइड कर लिया है आजकल मैं तुम्हारी सगाई के साथ हो जाएगी और जितना जल्दी हो सके तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। दैट्स फाइनल। कार्तिक का ऐलान, कर लूंगा शादी, कर लूंगा श्रीरथ से शादी। में यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना कि मैं सेटल हो जाऊं, मेरे बच्चों को उनकी मां मिल जाए, तो ठीक है। वैसे भी और कौन मिलेगा मुझे जो मेरे बच्चों से इतना प्यार करेगा? दो दो बार मेरे बच्चे की जान बचाई उसने। सीरत और कार्तिक की शादी, बाप बेटे में झड़प। किसी भी बाहर वाले को जवाब देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं, पता भी करो। हाँ जिम्मेदार हूँ मैं, पर सिर्फ अपनों के, और आप लोगों से मैं सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ। तो बनना भी करोगे हमारी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां आज सबके सामने कार्तिक ने सीरत से शादी करने का ऐलान कर दिया है। कर लूंगा शादी, कर लूंगा सीरत से शादी। मैं यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना कि मैं सेटल हो जाऊं, मेरे बच्चों को उनकी मां मिल जाए, तो ठीक है। वैसे भी और कौन मिलेगा मुझे जो मेरे बच्चों से इतना प्यार करेगा? दो दो बार मेरे बच्चे की जान बचाइए उससे। और इस बात को सुनकर मनीष गोयनका यानी कि कार्तिक के पापा को लगा है जोर का झटका, और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे। ऐसे में हो जाता है कार्तिक और मनीष गोयनका के बीच झगड़ा। झूठ मूठ की इज्जत, झूठ मूठ का स्टेटस दिखा रहे हो ने? ये तुम्हारा बड़प्पन है क्या? मेरी तरफ से कुछ भी झूठ मूठ का नहीं, रिस्पेक्ट है उनके, आई एम ग्रेटफुल टू देम। दोस्ती का, इंसानियत का रिश्ता है जो खून के रिश्तों से बढ़कर हो गया। मैंने पर उसका मतलब ये नहीं कि इस रिश्ते की कोई मायने। समाज नहीं मानता ऐसे रिश्तों को, हम नहीं मानते ऐसे रिश्तों को, और किस काम का ऐसा रिश्ता जो बाकी सारे रिश्तों को खराब कर दे? तुम्हें अंदाजा है कि जैसे हमें कितने लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? Because you are a universal fool, a sentimental idiot. कोई कुछ भी कहता है उसकी बातों में आ जाते हो, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम रिया से शादी कर रहे हो और तुम सीरत से कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे, और तुम क्या कर रिया के बाद सीरत से कोई रिश्ता नहीं रखेगा? ये तुम आगे जाओ पापा में। ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं होगा ऐसा? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं? मैं ना कायर हूं। क्यों? असल में हुआ यूं कि कार्तिक के पापा चाहते हैं कि कार्तिक रिया से शादी करे, और ये बात सभी घर वालों के सामने वो कहते हैं। इतना ही नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि एक दो दिन में रिया से शादी करके कार्तिक सीरत को घर से बाहर निकाल दे। साथ ही साथ सीरत पर इल्जाम भी लगाते हैं कि वो कार्तिक और कायरव को उनसे छीनना चाहती है। रिया से अपनी शादी की बात सुनकर कार्तिक भड़क जाता है। ये क्या कह रहे हैं? मैंने रिया से शादी करने के लिए कब अग्री किया? क्या कह रहे? मैंने कब अग्री किया? मैंने खुद सुना है तुम्हें अगले से बात करते हुए। बच्चा, मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला अब यूं ही ले लेंगे? और किसने कहा आपसे कि मुझे शादी करनी है, कि मैं बहुत अकेला हो रहा हूं? क्या हो गया आपको? मुझसे पूछे बिना मेरी लाइफ का फैसला? अब आप तो बड़ा हो गया हूं, क्या हो गया आपको? और ऐसे में बाप बेटे के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर कार्तिक सभी घर वालों के सामने ये ऐलान करता है कि वो रिया से नहीं बल्कि सीरत से शादी करेगा। ऐसे में मनीष को लगता है जोर का झटका। मुंबई में जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे लगता है ये रिश्ता के सेट्स पर भी कुछ ऐसे ही असर दिखाई दिया है। आज कुछ ऐसे ही हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो कह रहा था कि मतलब बॉम्बे में गर्मी बढ़ गई है और मुझ में प्यार की गर्मी बढ़ गई है, तो मैं सीरत से शादी करूंगा, मेरा कमबख्त बिल्कुल नहीं होने देंगे, आइसक्रीम की तरफ पिघला देंगे तुम्हारे प्यार को, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और वही झगड़ा किया आज और उसे मना किया खबरदार, जो शादी की हमारे मतलब कर की नहीं है लड़की। ये मतलब दोनों के बीच में सीरत और कार्तिक के बीच की दीवार बन गए अब। हाँ, ये तो वो कौन सा सीमेंट था, वो जो दीवार टूटती नहीं थी, वो वाला, उस वाली सीमेंट की दीवार बनाऊँ मैं। बाकी ऐसे राइटर्स का मन होगा तो मिलवा देंगे फटाफट, वरना ऐसे 100-150 एपिसोड्स अभी दुखी करेंगे, नहीं होने देंगे शादी। काफ़ी चिल्ला चोट कहेंगे, पूरा बिल्कुल माहौल बना दिया था, पूरा परिवार सहमा हुआ खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, सब बिल्कुल हिले हुए थे, एकदम स्टैच्यू हो गए थे। वैसे भी ऐसे सीरियल्स में तो पीछे जो होते हैं बेचारे, उनके मुंह में जबान नहीं होती। घर में दो लोग बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, और सीरियल में जो दो लोग बात कर रहे होते हैं सिर्फ वही बात कर रहे होते हैं, बाकी पीछे सब स्टैचू बन के खड़े होते हैं। देखो कितनी उल्टी चीज़ है, लेकिन फिर भी कितने मज़े ले लेके देखते हैं लोग। तो हमने ऐसे ही कहा है कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो पीछे डिस्टर्ब नहीं करना, वरना साउंड रिकॉर्डिंग जो है वो मना कर देता है।
वैसे सीन करने में कितना मजा आया, मतलब काफी मशक्कत करनी पड़ी, पानी पीना पड़ रहा था बार बार, गला सूख रहा था, गर्मी का इतना प्रकोप, और ऊपर से कहेंगे मनीष गोयनका का इतना प्रकोप कार्तिक पर। बेटे के मतलब प्यार मोहब्बत का प्रकोप है, बाप की इज्जत और बिजनेस और स्टैचर पे, तो बेटा भी जो है थोड़ा सा प्रकोप जो है बाप का बर्दाश्त करे तो अच्छा है। भाई क्या है, पैसे वाले लोग हैं, बहुत क्लासी लोग हैं, और वैसे भी सीरियल में सब अनिल अंबानी होते हैं। नहीं हाँ, अब तो मुकेश अंबानी कहना पड़ेगा, सब मुकेश अंबानी होते हैं। वो चाहता है कि असल में ऐसा है नहीं, वो ऐसे मुँह से निकल गया उससे, ऐसा है नहीं कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब मैंने उसको इतना ज़्यादा पुश कर दिया है कि ऐसा करोगे तो क्या ये है, तो उसके भी मुंह से निकल के हाँ हाँ कर लूँगा, ये मैंने क्या कह दिया, ऐसा कुछ मोमेंट। कहेंगे रिया का पत्ता तो कट हो कर दिया है कार्तिक ने एक तरीके से। रिया तो शुरू से ही प्लास्टिक का पत्ता थी, वो किसी भी डाल पर नहीं थी, वो तो सबको पता ही था कि ऐसा होना नहीं है, वो तो रिया के मन में ही था कि मैं डाल से जुड़ी रहूँगी, और वो तो नहीं हुआ, तो डाल में पात पात। क्या होगा, मनीष गोयनका मानेंगे सीरत और कार्तिक के शादी के लिए? ऐलान कर दिया कार्तिक ने। देखिए क्या है, रिया जो है वो पैसे वाले घर में शादी करना चाहती थी और बेटा करना चाहता नहीं है, तो शायद ये कुर्बानी अखिलेश को या मुझे ही देनी पड़ेगी, हम में से किसी एक को उसे अपनाना पड़ेगा। कायरा फैंस रेडी हो जाइए शादी में शामिल होने के लिए, इस जवाब का मतलब ही यही है। हाँ तो क्या होगा, मनीष माया, माया की शादी के लिए, या अखिलेश आया की शादी के लिए। ऐसी कुछ जोड़ी बनने वाली है, तो ये एक नया ट्विस्ट है कहानी में। नए ट्विस्ट के लिए जरा बोल दीजिए कुछ अपने फैंस के लिए, क्या तैयार रहे? हाँ तो तैयार रहिए, और मतलब ट्विस्ट की तैयारी कर लीजिए, मतलब राइट वाला पंजा आगे और लेफ्ट वाला पीछे, और कमर ऐसे थोड़ी थोड़ी लेफ्ट और राइट रोटेट करनी है, ट्विस्ट आ रहा है स्टोरी में। भाई कार्तिक ने ये कह तो दिया है कि वो सीरत से शादी करेगा, लेकिन मिस्टर मनीष इसके सख्त खिलाफ है। अब देखना होगा कि क्या वाकई हो पाती है सीरत और कार्तिक की शादी, या फिर इस रिश्ते के बीच आएंगी ढेर सारी कठिनाइयां, ये देखना दिलचस्प होगा। नुपुर मावची, मुंबई, आज तक।